बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज मस्जिद की छत के ऊपर पत्थर लगाना शुरू कर दिया गया है। ये सारा देखें, ये साइडों पे इसकी बेस बनाई गई है। ये पत्थर, रेत और सीमेंट, सारा कुछ, सारा मटेरियल छत पे रखा हुआ है। और ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये पत्थर की पहली लाइन है। माशाल्लाह ये बहुत ज़रूरी था छत को सेफ करने के लिए। और नीचे जो सीलिंग हुई है, अगर यहाँ पे पत्थर ना लगाया जाए तो उसकी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ये मस्जिद के सीन में भी सारे का सारा पत्थर लगा दिया गया है। अभी एक और नई डेवलपमेंट भी आपको दिखाते हैं। ये मिस्त्री साहब काम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं छत के बारे में कि ये पत्थर लगाने का फ़ायदा क्या होगा और कितना टाइम लग जाएगा छत पे सारा पत्थर लगते हुए। जी मिस्त्री साहब, ये तकरीबन 6 दिन लगेंगे और इसका ये फ़ायदा है कि ये ऊपर से छत ख़राब हो गई है और इसके अंदर पानी लीक नहीं होगा। ये पत्थर मुकम्मल जब होगा ना, इसकी फिलिंग करेंगे अच्छे तरीके से और इसके अंदर से पानी लीक नहीं होगा। माशाल्लाह मज़बूत हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, एक हफ़्ता लग जाना है? जी एक हफ़्ता। एक हफ़्ता, छोटा सा छत है, एक हफ़्ता क्यों? आराम से लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, और जल्दी लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा जल्दी। गुड हो गया। चलें जी, ठीक हो गया। ये जी माशाल्लाह छत है, तो ये सारी देख लें। ये वैसे टेम्परेरी इसको सीमेंट लगा के सेफ किया गया था। ये सारी अब ये उखाड़ दी गई हैं, ये पुरानी टाइलें। ये सारा टेम्परेरी सेफ किया था, तो इंशाल्लाह अब ये परमानेंट मसला हल हो जाएगा। तो ये साथ कम्युनिटी सेंटर है बंगला, इन्होंने भी लेंटर डाल दिया इसके ऊपर। माशाल्लाह ये भी सेफ हो गया। अच्छा जी, एक और आपको बता देते हैं कि ये जो मिस्त्री साहब हैं, ये माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं, संबड़ियाल से हैं। तो इन्होंने सारी मस्जिद का पत्थर, टाइल सारा इन्होंने लगाया है। तो इनका अपना चैनल भी है, एक मिस्त्री रियाज अहमद के नाम से। ये स्पेशलिस्ट हैं टाइल के। अगर किसी ने इनकी वीडियोस को देखना हो कि ये काम कैसे करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, तो वो इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर एंटर होते हैं तो ये माशाल्लाह पत्थर सारे क्लासरूम में लगा दिया गया है। और दीवारों पे मुकम्मल सारी टाइल लगा दी गई है। माशाल्लाह क्लासरूम बहुत प्यारा लग रहा है और बच्चे भी बहुत जो हिफ्स करते हैं, एक्साइटेड हैं, खुश हैं। ये मस्जिद का अंदर से व्यू देखें। ये थोड़ा आपको जूम करके दिखा देते हैं कि ये सारा पत्थर सेन के अंदर माशाल्लाह लगा दिया गया है। ये सारा पत्थर है, अभी इसकी रगड़ाई वगैरह होनी है तो फिर ये नीचे से सनी ग्रे वाइट कलर का निकलेगा। ये यहाँ पे ये सीढ़ी चढ़ाई जाएगी, वॉशरूम डिपार्टमेंट से ये सीढ़ी ऊपर जाएगी। यहाँ पे छत लेंटर डाला जाएगा। ये सारे वॉशरूम हैं। अच्छा जी, नई डेवलपमेंट ये है कि ये साथ कम्युनिटी सेंटर है बंगला। तो पहले तो ये प्रोग्राम था कि
मस्जिद के सामने जो ये वाशरूम बने हैं उसके ऊपर सिर्फ लेंटर डाला जाए। ये सामने की दीवार नज़र आ रही है, गेट के ऊपर डार्ट बनी हुई है। अब बंगला की जो सामने वाली दीवार है, ये दरवाज़ा जो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर तक इसको लेके जाया जाएगा। ये नई डेवलपमेंट थी, तो ये सारा जो है ना गली तक छत डाली जाएगी। तो इनसे पूछ लेते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ जी, जी सर की बना रहे हो तुसी ते दीवार जड़ी बना रहे, क्यों बना रहे? दीवार बन रही है सर जी। अच्छा, ए दीवार दे नाल अटैच होएगी। ठीक है, वो कहता है ते छत पवेगा। ठीक हो गया, ते साडा गेट आएगा सर जी। अच्छा, साडा मकसद है गेट जेड़ा है बारिश बदल तो बचिया रहे। ठीक है, खराब ना होवे। ए छत पै जाएगी, लेंटर पै जाएगा, कुछ समान है जो उठे आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ऐस वास्ते आ दीवार चुकी गई है। ऐस वास्ते दीवार चुकी जा रही है। ये गली दे उत्ते भी छत पा रहे हो, तो इहदा की फायदा होएगा जी? इहदा सर जी फायदा है हो जाएगा, अंदरों दे ही दरवाजा कढ़ के इत्थे ही कमरा भी छोटा सारा बना सकते थले बारिश पैनी तो लोग। अच्छा जी, तुसी दसो कि ए जिहड़ी छत पा रहे हो ते किन्ना कु खर्चा खुर्चा आ जाएगा अंदाजन कोई एक्स्ट्रा? क्योंकि मस्जिद का काउंट किया गया से, उस तो बाद थोड़ी अगे गली आ गई है, गली है, तो गली के उत्ते भी छत पाई जा रही है ताकि मस्जिद का जो फ्रंट है ना वो वड्डा हो सके। यही थोड़ा मकसद है? जो नमाजी आते हैं बारिश करने के छावे खलो सकन। अच्छा, अपने मोटरसाइकिल आ लेंगे दो नमाजी आंदा। अच्छा, यही मकसद है। अच्छा, थोड़ा मतलब है कि सामने स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, इतने जो लोग पेपर देने वास्ते आते हैं बच्चे वगैरह, उन्होंने जगह कोई नहीं खड़े होने वास्ते, तो उन्होंने थोड़ा इतने आसरा आसरा मिल जाएगा। हाँ जी, आसरा मिलेगा। दूसरा है कि इतने ही अपना मनार लावे, उत्ते सामने सारे लोगों को पता चल जाएगा कि मस्जिद है। ठीक हो गया, पहले नहीं पता चलता, पहले छोटा जहा दरवाजा सी। ठीक हो गया, चलो जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक अजर दे। ये थी नई डेवलपमेंट जो पहले एस्टीमेट में शामिल नहीं थी, तो अब इसको शामिल किया गया है, तो इंशाल्लाह जल्दी कि अच्छा जी, कितने दिन तक लेंटर तक काम शुरू हो जाएगा, इनसे पूछ लेते हैं जी। इंशाल्लाह कल आएगा शटरिंग वाला। अच्छा, आज साड़ी दीवार मुकम्मल हो जानी है, कल शटरिंग वाला शटरिंग करेगा। अच्छा, इंशाल्लाह सोमवार मंगल तक लेंटर का। सोमवार मंगल, यानी कि 3 दिन तक लेंटर जो है ना वो डाल दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह वाशरूम का काम भी जल्दी नेक्स्ट वीक में उम्मीद है कि कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की डेवलपमेंट, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।